नमस्कार दोस्तों, भारत में फॉरेन ट्रेड यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हमेशा से ही देश की इकोनॉमी और देश की ग्रोथ के लिए जरूरी माना है, जिसके तहत बिहार में अब राज्य का पहला ड्राई पोर्ट शुरू होने वाला है, जिसके बाद व्यवसाय की दुनिया में अब अधिक से अधिक किफायती मूल्य पर सामान आयात और निर्यात यानी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने में सक्षम हो। आइए अब आपको ड्राई पोर्ट क्या होता है और उसके बारे में बताते हैं कि देश में ऐसे कितने ड्राई पोर्ट्स अभी मौजूद हैं। आपको बता दें, देश में फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स की इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी मुश्किलों को दूर करने के मकसद से सरकार ड्राई पोर्ट्स बनाती है, मतलब वैसे शहर जो समुद्र तट से जुड़े नहीं होते हैं लेकिन वहां से भारी मात्रा में माल का आयात निर्यात होता है। ऐसे में उस राज्यों या शहरों में ड्राई पोर्ट्स बनाए जाते हैं जिससे वहां से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आसानी से हो सके। जैसे मान लीजिए दिल्ली के पास अपना कोई सी पोर्ट नहीं, पर दिल्ली से माल भारी मात्रा में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, इसलिए वहां पर ड्राई पोर्ट्स बनाए जाते हैं ताकि शिपमेंट आसानी से हो सके और ये शिपमेंट ट्रेन के जरिए होती है। ड्राई पोर्ट्स पर शिपिंग व कस्टम के अधिकारी तैनात रहते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स यानी उद्यमियों का माल रेलवे स्टेशन से सीधे पोर्ट तक पहुंचाती है। ड्राई पोर्ट्स खुलने से स्थानीय उद्यमियों को काफी सहूलियत होती है। ड्राई पोर्ट्स को लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन में सुधार करने और समुद्री पोर्ट की कैपेसिटी से जुड़ी मुश्किलों को कम करने के लिए बेहतर माना जाता है, इसलिए राज्यों में ड्राई पोर्ट्स बनते हैं। ड्राई पोर्ट से अगर सामान कहीं भी शिप्ड किया जाता है तो उसको आसानी से ट्रैक भी किया जा सकता है। आइए अब आपको बताते हैं कि देश में अभी फिलहाल कितने ड्राई पोर्ट्स हैं और देश का सबसे बड़ा ड्राई पोर्ट कौन सा है। इस लिस्ट में जैसे कि आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश, असम सहित छत्तीसगढ़ में एक ड्राई पोर्ट्स, उसी के साथ दिल्ली में दो और ऐसे करके लगभग सभी राज्यों में ड्राई पोर्ट्स। जहां बिहार से सटे पड़ोसी राज्य में 9 ड्राई पोर्ट्स हैं, तो बिहार में अब राज्य के पहले ड्राई पोर्ट से व्यवसाय की दुनिया में अधिक से अधिक किफायती मूल्य पर सामान आयात और निर्यात हो पाए। आपका क्या मानना है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए क्लिक। धन्यवाद।